गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो है हम आपको हिंदी कराएंगे। हिंदी में जो आपके लेसन वैसे तो काफ़ी हो गए हैं, आज हम 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा 7 चैप्टर जो है बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, राजस्थान की यात्रा। तो काफ़ी बच्चे गए भी होंगे, जो गए होंगे उन्हें पता भी होगा, और जो नहीं गए हैं वो चलो हमारे साथ चलो, ठीक है। हम भी यात्रा करते हैं और आप भी करो। चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं। ये एक तरीके से आपका जो राजस्थान की यात्रा पत्र लेखन के थ्रू हो रही है, तो पत्र के जरिए बताया जा रहा है कि मैंने राजस्थान की यात्रा की है तो कैसा लगा, ये सब बताया जा रहा है, अपनी फ्रेंड को बताया गया होगा। तो प्रिय सोनम, ढेर सारा प्यार, मैं पिछले सप्ताह मम्मी पापा के साथ राजस्थान घूमकर आई हूँ। इस पत्र के द्वारा मैं तुम्हें अपनी राजस्थान यात्रा के बारे में बता रही हूँ। राजस्थान को राजा महाराजाओं के प्रदेश के रूप में जाना जाता है। यहाँ राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे महान वीरों ने जन्म लिया था। राजस्थान किलों व महलों के लिए प्रसिद्ध है। अजमेर, चित्तौड़गढ़, आमेर और भरतपुर के किलों को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। जयपुर का हवा महल हो या उदयपुर का जल महल, सभी राजस्थान की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। अब देखिए, अगर कभी गए होंगे तो जयपुर में हवा महल है और उदयपुर में जल महल, ये बहुत ही खूबसूरत हैं, जो वहाँ की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। और वैसे भी राजस्थान यस राजा महाराजाओं का गढ़ कहलाता है। राजस्थान के लोग संगीत प्रेमी होते हैं, उनके लोक नृत्य और लोक संगीत को देखकर ऐसा लगता है कि मानो राजस्थान के कण कण में संगीत रचा बसा हो। हाथों में मेहंदी लगाए, सितारों से जड़ी रंग बिरंगी घाघरा चोली पहने जब बालाएं नृत्य करती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। उनके साथ सिर पर बड़ी बड़ी पगड़ियाँ पहनकर थिरकते पुरुष भी आकर्षक लगते हैं। बांधनी राजस्थान की परंपरागत कला और अद्भुत नमूना है। इसमें कपड़े को अलग अलग स्थानों पर डोर से बांधा जाता है। बाद में उस कपड़े को रंग कर उस डोर को खोल देते हैं। डोर खुलते ही सुंदर बूटियों के अथवा लहरियों के नमूने बन जाते हैं। राजस्थानी साड़ियां व पगड़ियां अधिकतर बांधनी या लहरियों कपड़े जैसे ही बनी होती हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान के लोग कठपुतली बनाने की कला, नक्काशी, कशीदाकारी और लघु चित्रकारी में भी प्रवीण हैं। प्रवीण का मतलब होता है जो लाइक उसको बनाने में बहुत ही कुशल हो। करेक्ट, कुशल हो, ठीक है। राजस्थान को रेगिस्तानी प्रदेश के रूप में जाना जाता है। वैसे तो गाय, भैंस और भेड़ सभी यहाँ देखने को मिलते हैं, परंतु ऊँट यहाँ का मुख्य पशु है। जानते भी होंगे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊँट को, जो हम पढ़ते आए हैं, फर्स्ट क्लास से पढ़ाते आए हैं, आप लोग पढ़ते आए हैं। क्योंकि ऊँट को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊँट काफ़ी दिनों तक बिना भोजन के भी रह सकता है, बिना खाए पिए काफ़ी समय रह सकता है, तो वो लंबी यात्रा कर सकता है। रेत होती है गर्म, उसके पैर होते गद्देदार, तो वो रेत में चलने में बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, उसको आराम से वो चल पाता है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। परंतु इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है क्योंकि ऊँट कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। इसके पैर गद्देदार होते हैं जिसकी सहायता से यह रेतीली ज़मीन पर आसानी से चल सकता है। प्राचीन काल में राजस्थान के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊँट का प्रयोग करते थे। आज भी यहाँ कुछ शहरों जैसे जोधपुर, बाड़मेर में ऊँट परिवहन का मुख्य साधन है।
राजस्थान के लोग सभी पर्वों को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। जयपुर में हाथी मेला, गणगौर महोत्सव, तीज महोत्सव तथा शीतला अष्टमी का मेला बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सचमुच राजस्थान घूमने के बाद तो दिल बाग बाग हो गया, यानी बहुत खुश हो गया। बाग बाग मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। तरह तरह की लोक संस्कृतियाँ, लोक कलाएँ, कलाओं और शिल्प कलाओं को अपनी गोद में समेटे हुए जीवंत हो गई है। शेष बातें मिलने पर बताऊंगी। आंटी अंकल को मेरी नमस्ते कहना, वैभव को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना, तुम्हारी सखी नमिता। तो अच्छा है लेसन, ठीक है, अच्छा था। तो आपने घर बैठे बैठे रेगिस्तान की यात्रा कर ली, आप लोगों ने भी और साथ में हमने भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अभी के लिए यही चैप्टर करिएगा, इस वीडियो में आप पढ़िएगा और मैं बाकी पेज आपको भेज दूँगी, खुद भी पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।